और एक सेकंड अबे हवा में जा रही है, ओए रुक 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 रुक, यहाँ पे कितना ज्यादा पानी है, बाकी लेट्स गो भाई, निकल जाएंगे। यार चलो ओके, मेरे ख्याल से ये वाला भी आसानी से क्लियर हो जाएगा, लेट्स गो गाइस। ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम लोग दोबारा से जाने वाले GTA 5 की दुनिया में। एंड यार पिछली वीडियो में अपनी गाड़ी को पूरा का पूरा कबाड़ा बनाने के बाद मैं फिर से आ चुका हूँ एक और नए रैम के साथ। एंड यार इस बार हम लोग अपनी गाड़ी को डुबोने वाले हैं पानी में, मतलब यार ऐसे ऊपर चढ़ा के फिर नीचे जाएंगे एंड पानी में एक तगड़ा सा स्प्लैश मारते हुए फिर से ऊपर नीचे ऐसा होता रहेगा। बाकी तुम चिंता मत करो, इतना कंफ्यूज मत हो, मैं तुमको रैंप पूरा दिखाने वाला हूँ। बट यार उससे पहले अगर तुम लोग न्यू आए हो चाहे पे तो सब्सक्राइब कर दो, नीचे लाल कलर का बटन आ रहा होगा, ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा तुम लोगों को। बाकी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, 10 लाइक से एक बहुत छोटा सा एम है, प्लीज पूरा करवा देना, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, बैक इन द गेम। एंड यार अभी देखो हमारा फ्रैंकलिन कैसे तैयार व्यार होके आ चुका हूँ। एंड यहाँ देखो भाई कितने सारे लोग आ रखे हैं हमारी गाड़ी की भाई ये रैंप टेस्ट देखने के लिए। बाकी ये रहा भाई इधर माइकल, आज मेरे और माइकल की गाड़ी के बीच में होने वाला है भाई ये वाला रैंप टेस्ट। अब मैंने ट्रेवर को इसे नहीं बुलाया क्योंकि भाई वो थोड़ा आज बिजी था अपने कामों में, अब तुम लोग समझ जाओ भाई वो करेले वगैरह का जूस बहुत पीता है, वो इसलिए मैंने उसे नहीं बुलाया। बाकी यार माइकल को भी मैं उठा के लाया हूँ, बस मीटिंग कर रहा था ये, तो मैं इसको यहाँ पे बुला के ले आया। बाकी यार अभी सबसे पहले तुमको रैंप दिखा देता हूँ अपना, एक तगड़ा सा है भाई रैंप भी, देखो यहाँ से स्टार्टिंग लाइन है, बाकी इधर से पहली डुबकी मारेगी हमारी गाड़ी, फिर ऊपर जाएगी, फिर एक और डुबकी, फिर ऊपर जाएगी, फिर एक नीचे जाएगी, फिर एक और डुबकी मारेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी, ऐसे भाई डुबकी मारती जाएगी एंड यार लास्ट एंड पॉइंट तक आ जाएगी। जो भी गाड़ी आ जाएगी भाई देखो पॉइंट सिस्टम भी है, अगर कोई गाड़ी बीच में फंस जाती है तो हम पॉइंट वगैरह देख लेंगे उस गाड़ी का। एंड यार फिनिश लाइन पर आ गई तो ये पटाखे छोटी मोटी आतिशबाजी होगी उस गाड़ी के लिए। बाकी भाई ये दिवाली के फायरवर्क्स दिए जाएंगे उस गाड़ी को, उसने ये वाला रैंप खत्म कर लिया। बाकी पैसे वगैरह तो मेरे को नहीं मिलने वाले, तो चलो यार अभी तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, अभी जल्दी से शुरू करते हैं भाई ये वाला रैंप। बाकी यार स्टोन पेपर सीजर तो मेरे और माइकल के बीच में ऑलरेडी हो चुका है एंड सबसे पहले तुम्हारा भाई जा रहा है, तो चलो यार अभी जल्दी से बैठता हूँ गाड़ी में। बाकी यार अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते यार, अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में लेके जाना। बट एक सेकंड थोड़ा कैमरा एंगल चेंज कर लूं ताकि तुम लोगों को अच्छे से दिखा पाऊं। बाकी चलो थोड़ा सा पीछे लो फ्रैंकलिन, हाँ भाई सही है, अब लेट्स गो करते हैं भाई। चलो एक सेकंड लेट्स गो। एंड भाई काफी तगड़ी धुलाई हो गई मेरी गाड़ी की, तो बाकी 10 पॉइंट्स हो चुके हैं। एंड यार ये छोटा सा था, चलो कोई बात नहीं अब। और एक सेकंड अबे हवा में जा रही है, ओए रुक 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 भाई रुक जा, बाहर नहीं जानी चाहिए, बाकी चढ़ 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 भाई पानी है बहुत ज्यादा, चल भाई अब फंस जाएंगे नहीं तो। लेट्स गो गाइस, ये वाला भाई हर्डल थोड़ा हमको ज्यादा ही भारी पड़ा है। बाकी यार ये एक सेकंड, यहाँ पे कितना ज्यादा पानी है, बाकी लेट्स गो भाई, निकल जाएंगे। मेरे ख्याल से तो नहीं निकल पाएंगे, गाड़ी मेरी बंद पड़ चुकी है। एंड अब बाहर आ जा भाई फ्रैंकलिन, थोड़ा नहावा ले क्योंकि वैसे तो तू नहाता नहीं है। बाकी यार एक बार मेरी गाड़ी का हाल देखो यार, मैं तो सोचा था भाई गाड़ी में पानी वगैरह जाएगा, यहाँ तो मेरी गाड़ी का ही कबाड़ा हो चुका है। बाकी यार गाड़ी भी बंद हो चुकी है, तो चलो यार अब देखते हैं माइकल की गाड़ी क्या कर पाती है। ऑलराइट गाइस, तो मैं तो वापस आ चुका हूँ एंड मैंने अपनी गाड़ी को वहीं से यार टो करवा दिया है। बाकी मैंने माइकल को तो बहुत तगड़ी तरीके से डरा दिया है कि भाई वहां आज तेरी गाड़ी तो पूरी मिलने वाली है, तगड़ी तरीके से आज तेरी गाड़ी पूरी बर्बाद हो जाएगी। बाकी चलो यार अब माइकल को जाने देते हैं, उसको भी थोड़ा एक्सपीरियंस लेने देते हैं। बाकी यार उससे पहले तुमसे एक और चीज कहना चाहूंगा, अपनी फेवरेट इंडियन गाड़ी का नाम जरूर से कमेंट कर देना, क्योंकि यार अब मैं यार इंडियन कार्स को इंपोर्ट करने वाला हूँ GTA 5 मतलब लॉस सैंटोस में। तुम्हारी कौन सी फेवरेट इंडियन कार है मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं उसको ट्राई करूंगा यार इंपोर्ट करने का। बाकी यार अगर तुम्हें यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही होता ना तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। एंड यार GTA 5 में ना फेवरेट कैरेक्टर मेरे को जरूर से कमेंट करके बताना। बाकी चल भाई अच्छा फ्रैंकलिन, नहीं तो उड़ा दूंगा यहीं से। हाँ भाई अब कैसे डर के भागा, बाकी लेट्स गो। ओके यहाँ पे तो आराम से क्रॉस कर लिया, बाकी आराम आराम से जाना होगा मेरे को, लेट्स गो। ओके बाकी यार यहाँ पे तो थोड़ी तगड़ी वाटर स्लैश हुई, बाकी अभी चलते हैं। एक सेकंड थोड़ा सा वेव कम होने दे, बाकी यार चलो ओके मेरे ख्याल से ये वाला भी आसानी से क्लियर हो जाएगा। बाकी यहाँ थोड़ी दिक्कत हुई है एंड अभी गाड़ी को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, बाकी ये वाला थोड़ा तगड़ा पड़ने वाला है, तो जल्दी से लाइक कर दो भाई, मेरे को तुम्हारी लाइक की जरूरत है, लेट्स गो गाइस। बाकी चलो 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 भाई ऊपर तो आ गया था मैं, बट यार हमारी गाड़ी यहाँ पे अटक गई है, तो चलो मेरे को भी यहाँ पे थोड़ा सा तैर वैर के आना पड़ेगा। एंड मेरे ख्याल भाई माइकल की भी गाड़ी ये वाली यहीं तक क्रॉस कर पाई है एंड फ्रैंकलिन भी भाई यहीं तक आया था। बाकी चलो यार वीडियो की एंडिंग ना थोड़ा गाड़ी पर चढ़ जाता हूँ ताकि तुम्हें हमारा माइकल दादा तगड़ी तरीके से दिखे। आज की वीडियो के लिए इतना ही रखता, होप करता हूँ तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई हो ना सब्सक्राइब कर देना एंड मेरे को अपनी फेवरेट इंडियन कार जरूर से कमेंट कर देना। मैं मिलता हूँ तुमको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।